हाय गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर 8 से कुछ क्वेश्चंस। क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स की बुक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से। गिवन है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे फटाफट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन ले लेंगे, ए रिमेनिंग बचेगा बी माइनस वन। इसी तरीके से माइनस बी प्लस वन में से हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग बच जाएगा बी माइनस वन। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने माइनस वन कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बी प्लस का है, तो हमें यहाँ भी बी को प्लस का बनाना है। इसके लिए हमें माइनस वन कॉमन लेना पड़ेगा। जब हमने यहाँ से माइनस वन लिया है तो इधर से भी हमें माइनस वन ही कॉमन लेना पड़ेगा। प्लस से हमने माइनस कॉमन ले लिया है और वन से वन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिमेनिंग बच जाएगा माइनस वन। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, बी माइनस वन इंटू में ए माइनस वन। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ए माइनस वन इंटू में बी माइनस वन। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बुक में गिवन है जो फोर ऑप्शंस, उसमें से ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे फ्रेंड्स गिवन है 3 + 23x - 8x2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 × 8 हम करेंगे आ जाएगा 24। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 23 है, 23 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 23 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 24 मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाता है, 24 × 1 करेंगे 24 ही मिलेगा, और अगर 24 से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 23 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 24 और 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, 23 को ब्रेक करेंगे 24x - x। 1x लिखें या x लिखें एक ही बात है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -8x2, ये एज इट इज़ है। अब कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टू टर्म से 3, रिमेनिंग बचेगा 1 + 8x। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं -x, रिमेनिंग बचेगा 1 + 8x। अगेन कॉमन ले लेंगे 1 + 8x, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, 3 - x, और ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11। यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 में 7x² - 19x - 6। देन फ्रेंड्स एज वी नो 7 × 6 = 42 आ जाएगा। 42 को हमें ब्रेक करना है इस तरीके से कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 19 मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 × 2 करेंगे हमें 42 मिलेगा, और 21 - 2 करेंगे हमें 19 मिलेगा। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस और माइनस का थोड़ा सा मैनेज करना होगा, हमें -19 चाहिए। इसके लिए हमें 21 को माइनस करना पड़ेगा और 2 को प्लस करना पड़ेगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, -19। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स हो गए, -21 + 2। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे 7x² - 19x, इसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, -21x + 2x। -6 एज इट इज़ है, कॉमन लेंगे 7x, रिमेनिंग बचेगा x -7, 3 × 21 3, प्लस इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बच गया x -3। इसके बाद से x -3 दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, रिमेनिंग बचेगा 7x + 2। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है फ्रेंड्स 12x² + 60x + 75। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं तीनों ही टर्म्स में 3 कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग बच जाएगा 4x² प्लस इधर से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा फ्रेंड्स, 3 × 2 = 6 = 20x प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3 × 2 = 6 = 3 × 5 = 15 = 25। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 4 × 25 = 100 आ जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, 100 को ब्रेक करेंगे 10 × 10 में, जो कि 10 + 10 = 20 भी बनाएगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। 3 है इनटू में 4x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस
टू ए बी एज वी नो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें फ्रेंड्स क्वेश्चन को आइडेंटिटी से, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर, अब हमें बी की जगह क्या चाहिए टू ए बी। तो फ्रेंड्स इसको ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा टू इंटू में हो जाएगा ए, ए क्या है टू एक्स है, तो रिमेनिंग क्या बच गया फ्रेंड्स यहाँ पे टू टू जब फोर, फोर इंटू फाइव आ जाता है 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव, मीन्स ये क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे ब्रेक कर दिया है, देन यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा थ्री इंटू में, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह क्या है टू एक्स है और बी की जगह क्या है फाइव है, मीन्स टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर थ्री इंटू टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स तीन क्वेश्चन रिमेनिंग है 12, 13 और 14, जिसे हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।